तो आज हम पढ़ेंगे बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आ गए आप। इस वीडियो के अंदर हम बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे। तो बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल फ्लूइड से रिलेटेड है। तो फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स वो चीजें होती है जो फ्लो हो सकती है, जैसे लिक्विड एंड गैसेस। तो जो चीज फ्लो होती है उसे हम फ्लूइड कहते हैं, एंड फ्लूइड्स के अंदर गैसेस एंड लिक्विड्स आते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं बॉयंसी से। बॉयंसी एक तरह की फोर्स है जो एक फ्लूइड एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है जब वो ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड के अंदर होता है। जैसे हमारे पास इस कंटेनर में कुछ वाटर है, यानी फ्लूइड है, एंड हमारे पास एक खाली बॉटल है जिसका ढक्कन एकदम बंद है। तो जब हम इस बॉटल को वाटर के अंदर डालेंगे तो वाटर इस बॉटल को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, यानी फोर्स लगा रहा है, एंड इस फोर्स को हम कहते हैं बॉयंसी। एंड अगर हम इस फोर्स एंड ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच का एंगल देखें तो वो है 90 डिग्री का। तो ये फोर्स ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट। तो इसे भी हम थ्रस्ट कहेंगे, एंड क्योंकि ये थ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसे हम अप थ्रस्ट कहेंगे। तो बॉयंसी का एक और नाम हो गया अप थ्रस्ट, एंड बॉयंसी को हम बॉयंट फोर्स भी कहते हैं। तो बॉयंट फोर्स, बॉयंसी, अप थ्रस्ट, ये सारी एक ही चीज़ है। तो बॉयंसी होगी अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाय ए फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज फुल्ली और पार्शली इमर्ज इन इट। यानी बॉयंसी एक फोर्स होगी जो एक फ्लूइड एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है जब वो ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड के अंदर फुल्ली या फिर पार्शली इमर्ज होता है। फुल्ली का मतलब पूरी तरह से डूबा हुआ, एंड पार्शली का मतलब आधा डूबा हुआ। जैसे ये बॉटल है, ये आधी पानी के अंदर डूबी हुई है एंड आधी पानी से बाहर है, तो इसे हम कहेंगे पार्शली इमर्ज्ड। एंड फुल्ली इमर्ज्ड जो पानी के अंदर पूरा ही डूब जाता है। तो दोनों केसेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक फोर्स लगती है जिसे हम बॉयंसी, बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट कहते हैं। तो ये होगी बॉयंसी। तो अब देखते हैं कब ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा एंड कब ऑब्जेक्ट सिंक होगा। सिंक यानी डूब जाएगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड के अंदर होता है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लगती है। एक तो ग्रेविटी लगती है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, एंड एक अपथ्रस्ट जो वो लिक्विड या फिर फ्लूइड लगाता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती है। तो अगर ग्रेविटी ज़्यादा है एंड अपथ्रस्ट कम है तो ग्रेविटी जीत जाएगी एंड ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, यानी सिंक हो जाएगा। एंड अगर अपथ्रस्ट ज़्यादा है एंड ग्रेविटी कम है तो अपथ्रस्ट जीत जाएगा एंड ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएगा एंड फ्लोट करने लगेगा। पर कैलकुलेशंस के अंदर हम डेंसिटी का यूज करते हैं। तो अगर वाटर की डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वाटर जीत जाएगा। अब वाटर जीत गया तो वाटर जो चाहेगा वही होगा, एंड सारे फ्लूइड्स चाहते हैं कि उनके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट ना आए, तभी तो वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, यानी उन्हें धक्का देते हैं। तो यहाँ पर वाटर जीत गया तो ये ऑब्जेक्ट को अपने अंदर आने नहीं देगा एंड ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा। एंड अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट जीत जाएगा। तो ऑब्जेक्ट चाहता है कि वो पानी के अंदर जाए, तो जब ऑब्जेक्ट जीतेगा तो वो पानी के अंदर चला जाएगा, यानी सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। एंड डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये मास एंड वॉल्यूम दी हुई होगी, एंड ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। एंड डेंसिटी से रिलेटेड एक और टर्म है जो कि है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव यानी किसी चीज़ से रिलेट करना, एंड डेंसिटी यानी किसी चीज़ की डेंसिटी से रिलेट करना। तो रिलेटिव डेंसिटी के अंदर हम किसी चीज़ की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से रिलेट कर देते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो हम उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे एंड हमें रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला एंड डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 cm³। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 g/cm³। विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। तो क्वेश्चन के अंदर हमें वॉल्यूम दी हुई है। वॉल्यूम 50 ग्राम के ऑब्जेक्ट की 20 cm³ है, यानी वॉल्यूम होगी 20 cm³ एंड 50 ग्राम ये है मास। तो मास हो गया 50 ग्राम एंड डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम।
तो मास है 50 ग्राम एंड वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसे कैलकुलेट करने पे मिलेगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमें उस सब्सटेंस की डेंसिटी मिल गई एंड हमें बताने कि ये सब्सटेंस पानी के अंदर डूबेगी या तैरेगी। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इस सब्सटेंस की डेंसिटी है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो ये सब्सटेंस जीत जाएगी एंड पानी के अंदर डूब जाएगी यानी सिंक हो जाएगी। तो हम डेंसिटी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट तैरेगा एंड कौन सा ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। तो अब हम चलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की तरफ। तो हमें पता है कि जब एक ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर होता है तो वो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बॉयंट फोर्स लगाता है या अपथ्रस्ट लगाता है एंड आर्किमिडीज ने यही चीज़ बताई थी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। एंड उन्होंने कहा था कि जितना वाटर इसने डिस्प्लेस करा है उतना ही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा। तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। एंड अगर तुमने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तब तुम्हें पता होगा कि वेट की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, क्योंकि वेट एक तरह की फोर्स होती है एंड अपथ्रस्ट भी एक तरह की फोर्स है, तो दोनों की ऐसा यूनिट्स न्यूटन है। तो इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसके बीच में हमने एक होल करके पाइप जोड़ दिया एंड दूसरे कंटेनर तक ले गए एंड इस होल की एज तक वाटर है इसके अंदर। एंड हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं एंड उस ऑब्जेक्ट का वेट है 10 न्यूटन, क्योंकि वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन ही होती है, केजी तो मास की ऐसा यूनिट होती है। तो जब हम इस 10 न्यूटन के ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर रखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कुछ वाटर को डिस्प्लेस करेगा एंड जितना ये वाटर डिस्प्लेस करेगा वो वाटर इस दूसरे कंटेनर के अंदर आ जाएगा। तो मान लो कि इस ऑब्जेक्ट ने 1 न्यूटन वेट का वाटर डिस्प्लेस करा तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का अपथ्रस्ट लगेगा, क्योंकि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो पहले इस ऑब्जेक्ट का वेट था 10 न्यूटन पर अब नीचे से 1 न्यूटन की फोर्स और लग रही है, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट फ्लूइड के अंदर कितना रह जाएगा, 10-1 जो कि होता है 9 न्यूटन। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट फ्लूइड के अंदर 9 न्यूटन का रह गया। तो ये हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो ये है टपलू एंड ये पेड़ घाट रहा है, तो अब आगे होगा क्या? ए ऑप्शन, टपलू गिर जाएगा। बी ऑप्शन, टपलू अपना सर खुजाएगा। या फिर सी ऑप्शन, टपलू पेड़ ही नहीं काट पाएगा। तो सोचो अब आगे होगा क्या। तो टपलू की सीढ़ी खड़े खड़े थक गई थी तो वो थोड़ी देर लेट जाएगी। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर।